हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब लोग। सो एज वी गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर सेम चैप्टर एंड दैट इज नेशनलिज्म इन यूरोप, जो हम कर रहे थे अभी तक। काफी चैप्टर हमारा हो चुका है। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन जो है चल रहा था, और उसमें कुछ पॉइंट्स और हैं जो हमें अभी स्टडी करने हैं। सो हियर कम्स द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। सो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन में हमने स्टार्टिंग इंट्रो तो हमने पढ़ लिया था। अब इंट्रो के बाद कुछ पॉइंट्स हैं कि यूनिफिकेशन के ब्रिटेन के यूनिफिकेशन के टाइम पे कौन सी चीजों का जो है स्पेशली ध्यान रखा गया। तो फर्स्ट इज अबाउट द इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी। ओके, फर्स्ट जो आपका पॉइंट आता है दैट इज इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी। आई डिडंट राइट द होल प्रोस्पैरिटी। ओके, इन शॉर्ट इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी ऑफ द इंग्लिश नेशन। यहाँ इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन चल रहा था ऑल ओवर द यूरोप में। तो इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन ने जो ब्रिटिश नहीं कहेंगे, यूरोपियन, यूरोप में ही इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन चल रहा था। जो यूरोपियन पीपल्स थे, स्पेशली जो इंग्लिश पीपल थे, इंग्लैंड के जो पीपल्स थे, उनको ज्यादा जो है उनको ज्यादा फायदा हुआ इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन से। ठीक है, वो उसमें जो है वो उनकी वो जो है इकोनॉमिकली काफी ज्यादा बढ़ते चले गए, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा प्रॉस्पर होते चले गए इंग्लिश मैन स्पेशली। विद द हेल्प ऑफ ट्रेड एंड वेल्थ इट सक्सीडेड इन एक्सटेंडिंग इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन ऑफ द आइलैंड ऑफ आइलैंड्स, जो ब्रिटिश के यानी सॉरी इंग्लैंड के जो बाकी आइलैंड्स थे वहां पर ट्रेड और ट्रेड काफी होने लगा। इंडस्ट्रीज हुई तो ऑब्वियसली ट्रेड में भी इंक्रीमेंट होगा, रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा, फिनिश प्रोडक्ट बेचा जाएगा। एक कंट्री में नहीं, दो में नहीं, तीन में नहीं, चार में नहीं, ऑल ओवर द यूरोप एंड ऑल ओवर द एशिया दूर दूर तक प्रोडक्ट्स जाएंगे। तो ट्रेड उनका बहुत प्रॉस्पर होता गया जैसे इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन बढ़ता गया। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन हुआ एंड इट सक्सीडेड इन एक्सटेंडिंग इट्स इन्फ्लुएंस, और मतलब जो इंग्लिश मैन थे, जो इंग्लैंड के पीपल थे, उनका इन्फ्लुएंस जो बाकी नेशन आइलैंड से, नेशन आइलैंड का मतलब है यहाँ पर कि ब्रिटेन का, क्योंकि ब्रिटेन का यहाँ पे यूनिफिकेशन हो रहा था, ब्रिटेन वो नहीं था जो आज है। मैं आपको इन बिटवीन इस वीडियो में एक फोटो, मैं आपको एक पिक ऐड करूंगी, तो आप अभी पता नहीं है वो मुझे पिक कहाँ है, बट वो मैं फाइंड आउट करके मैं आपको ऐड करूंगी श्योरली। उसमें आप ये देख सकते हो कि ब्रिटेन का पहले क्या था और यूनिफिकेशन के बाद ब्रिटेन की क्या बाउंड्री हो गई, मींस कौन कौन से आइलैंड जो ब्रिटेन ने जो है एनेक्स्ट किए थे। लाइक जैसे ब्रिटेन, ब्रिटिशर्स जब यहाँ आए तो डिफरेंट डिफरेंट महाराष्ट्र को एनेक्स किया, नदर्न स्टेट्स को, सदर्न स्टेट्स को, अरुणाचल प्रदेश और उस वाले पार्ट में भी गए, गुजरात जो है उन्होंने अपने कब्जे में लिया। ठीक है, तो एनेक्स्ट की ये सारी चीजें। तो उधर ब्रिटेन जो मतलब आज जो ब्रिटेन का मैप आप देखते हो, ब्रिटेन इज नॉट, अर्लियर वॉज नॉट लाइक द सेम। ठीक है, ब्रिटेन के आसपास करीब 7 और 8 कई सारे ऐसे इस टाइप के आइलैंड्स थे, और उन आइलैंड्स को ब्रिटेन ने नेक्स्ट किया, धीरे धीरे उनके ऊपर कब्जा करके उनको अपने में मिलाया। ठीक है, तो इसलिए कहा है कि जो मेन जो ब्रिटेन एक छोटा सा जो आइलैंड था अर्लियर 200-400 जो था पहले, ठीक है, वो जब इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन हुआ तो काफी प्रॉस्पर होते गए वो, तो उनका जो इन्फ्लुएंस था, ब्रिटेन का जो इन्फ्लुएंस था, इंग्लिश मैन का जो इन्फ्लुएंस था, वो उसके आसपास के जो आइलैंड थे, मेन ब्रिटेन के जो आसपास के जो आइलैंड थे उनके ऊपर काफी, आइलैंड नेशन इसलिए कहा गया है, नेशन ऑफ द आइलैंड्स मतलब आइलैंड उस नेशन के, ब्रिटेन नेशन के बाकी आइलैंड्स पे काफी इफेक्ट हुआ। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज सेड हियर नेशन ऑफ आइलैंड्स। आइलैंड कौन सा आइलैंड? ब्रिटेन। ब्रिटेन इज ऑल्सो एन आइलैंड, अब ऑब्वियसली कंट्री हो गई है। ब्रिटेन के आसपास के जो आइलैंड थे जो ब्रिटेन ने एनेक्स्ट कर लिए, अपने में मिला लिए, नाउ टू बी कॉल्ड एज कंट्री। ओके, सो काफी इन्फ्लुएंस रहा बाकी आसपास के जो आइलैंड थे उनके ऊपर ब्रिटेन की, काफी इन्फ्लुएंस वो आइलैंड जो थे, वहां के पीपल्स जो थे, वहां का कल्चर, वहां की इंडस्ट्रीज, वहां की गवर्नमेंट जो भी थी, वहां के किंग्स, वहां के लोग, इनके इकोनॉमिक प्रॉस्पैरिटी जो ये बढ़ी, इकोनॉमिकली काफी ज्यादा ये लोग रिच होने लगे मतलब इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक यानी कि पैसा, इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन बढ़ा, तो ये इकोनॉमिक प्रॉस्पैरिटी का मतलब यहाँ पर है कि पैसे से काफी ज्यादा अमीर होता गया ये देश। द प्रॉपर मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पैरिटी, पैसों से काफी अमीर होता गया। ठीक है, सो
ठीक है, ये था. नेक्स्ट जो सेकंड था, रोल ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि ब्रिटेन के यूनिफिकेशन में पार्लियामेंट का क्या रोल रहा, रोल ऑफ पार्लियामेंट. अब ब्रिटेन के यूनिफिकेशन में पार्लियामेंट का रोल ये रहा कि द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज पावर फ्रॉम द मोनार्की, जो इंग्लिश पार्लियामेंट, जो इंग्लिश पीपल चला रहे थे, इंग्लैंड के वासी जो चला रहे थे, इंग्लैंड की गवर्नमेंट जो चला रही थी उस टाइम पर पार्लियामेंट, वहां पर जो पावर थी उनकी, उनकी पावर को सीज कर दिया गया, मतलब उनकी पावर को सीज यू नो दबा दिया गया उनकी पावर्स को, ठीक है, फ्रॉम द मोनार्की इन 1688 एट द एंड ऑफ द प्रोटेक्टरेट कॉन्फ्लिक्ट. वहां पे प्रोटेक्टरेट कॉन्फ्लिक्ट हुआ 1688 में, और 1688 के इस कॉन्फ्लिक्ट में उनकी पावर्स को दबा दिया गया, ठीक है, इंग्लिश मैन की हैड सीज पावर फ्रॉम द मोनार्की, मोनार्की से उनकी पावर को दबा दिया गया. Was the instrument through which a nation state with England at its center came to be forged. यानी कि खोटा, यानी नकली, forged means नकली. एक ये instrument था, एक मतलब उन्होंने एक हथियार बनाया इसको, ठीक है, through which the nation state with England, मतलब nation states बना रहे थे, nation state England के साथ nation state बन रहे हैं, at its center मतलब England को center बनाया, बाकी जो islands थे उनको उसमें मिलाकर नेशन स्टेट कहा गया कि ये नेशन है, लेकिन नेशन स्टेट्स बन गया, यूनिफिकेशन हो गया है, लेकिन इंग्लैंड एट द सेंटर था, ठीक है. केम टू बी फॉर्ज, यानी कि पार्लियामेंट ने जो है कहा कि ये जो है मतलब फॉर्ज केस है, यानी कि ये नकली चीजें हैं, ये खोटी चीजें हैं, ये नेशन स्टेट यूनिफिकेशन ये सब मतलब बेकार चीजें हैं, ठीक है. द एक्ट ऑफ यूनियन नेक्स्ट है आपका. Act of Union. Act of Union में क्या था? The Act of Union 1707 में हुआ था between England and Scotland. Okay. 1707 में, और ये sorry, ये हुआ आपका England. And Scotland में, ठीक है, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में ये हुआ एक्ट ऑफ यूनियन, एक दूसरे को यूनाइट करना, ठीक है. दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. तो जब यहाँ स्कॉटलैंड, मैंने कहा ना स्कॉटलैंड के और इंग्लैंड को जो आइलैंड थे इनके, स्कॉटलैंड था, आयरलैंड था, वेल्स आइलैंड अलग था, चैनल थे एक आइलैंड के, ठीक है. तो मैंने आपको प्रीवियस में बताया कि वो ब्रिटिश जो आइल्स करके भी एक जो मेन था, ये जो यूनाइटेड किंगडम जो मेन आइलैंड था, ठीक है, लेकिन वहां पर यही हुआ कि सेट वहां के जो लोग थे ब्रिटेन के, इंग्लैंड के, स्कॉटलैंड के, कि भाई सेट दैट प्रिंस ओनली फ्रॉम द वेल्स, कि हम मतलब स्कॉटलैंड के लोग, ब्रिटेन के लोग, हम उसी को ही प्रिंस मानेंगे जो वेल्स का बॉन्ड हुआ होगा, मतलब वेल्स का वेल्स में उस बच्चे का जन्म हुआ हो वही यूनाइटेड किंगडम का प्रिंस होगा, ठीक है, मेन ब्रिटिश आइल्स का, ठीक है. तो इसलिए जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में आपस में यूनियन यूनाइट हुए, तो यूनाइट होने के बाद ये बनता है आपका यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. मेंट इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, मतलब इसका मतलब ये था कि इंग्लैंड अगर किसी भी तरीके का कोई भी डिसीजन लेगा तो वो स्कॉटलैंड पर भी वो डिसीजन लागू होगा, मतलब इंग्लैंड की गवर्नमेंट कुछ भी डिसीजन लेती है तो वो स्कॉटलैंड पे भी लागू होगा, ठीक है. ये यहाँ पर था इनका एक्ट ऑफ यूनिफिकेशन. फोर्थ है आपका मेजॉरिटी ऑफ द इंग्लिश मेंबर इन पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में जो ज्यादातर मेंबर्स थे वो उनकी जो मेजॉरिटी, मतलब ज्यादातर जो मेंबर्स थे मेजॉरिटी में वो इंग्लिश थे, इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड के पीपल ज्यादातर थे वहां पे, ठीक है. सो द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड तो ब्रिटिश बाय द इंग्लिश मेंबर्स. जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी स्कॉटलैंड के लोग नहीं थे, ब्रिटिश के थे, इंग्लैंड के पीपल्स थे. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी ये मतलब बोला जाता था कि वहां की जो पार्लियामेंट है वहां के लोगों को इंग्लिश मेंबर्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है. तो वहां की पार्लियामेंट भी वो हो गई, हम कहते हैं ना हमारे हमारे यहाँ पर भी कहते हैं कि पार्लियामेंट को भंग कर दिया गया, ठीक है. तो पार्लियामेंट खत्म कर दी गई पूरी तरीके से, और फिर न्यू तरीके से मतलब उसमें इंग्लिशमैन भी हो, स्कॉटलैंड के भी हो, जब पूरा यूनिफिकेशन हो गया तो सभी का हक बनता है पार्लियामेंट में, हर आइलैंड से जो है एक मेंबर जो है पार्लियामेंट में होना चाहिए जब यूनिफिकेशन हो चुका है, ठीक है. सो द ग्रोथ ऑफ अ ब्रिटिश आइडेंटिटी मेंट ब्रिटिश की ग्रोथ करना,
मतलब ब्रिटिशर्स को बढ़ाना, इंग्लिश मैन्स को बढ़ाना, यहां पर ये कहना है इंग्लिश मैन्स को बढ़ाने का मतलब था दैट स्कॉटलैंड्स हाईलैंडर वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गायलिक लैंग्वेज, यानी कि स्कॉटलैंड की जो खुद की जो लैंग्वेज थी उसको खत्म कर देना, मतलब इंग्लिश मैन्स को अगर आप बढ़ावा दोगे तो इसका मतलब ये था ब्रिटिश आइडेंटिटी, द ग्रोथ ऑफ अ ब्रिटिश आइडेंटिटी, ब्रिटिश आइडेंटिटी को इंग्लैंड को अगर आप बढ़ावा दोगे, ग्रोथ के लिए बढ़ावा दोगे, तो मतलब वो ये समझते थे, मतलब स्कॉटलैंड के जो वासी थे वो ये समझते थे कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो खतरे में पड़ जाएगी, हमें हमारी लैंग्वेज जो है बोलने नहीं दिया जाएगा। वो यहाँ पे लिखा फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज और वियर देयर नेशनल ड्रेस, और हमें उनकी नेशनल ड्रेस पहननी पड़ेगी, एंड लार्ज नंबर वर फोर्सिबली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, और ये बोला मतलब ये कहा जा रहा था कि बहुत सारे लोगों को अपना जो होमलैंड है वो छोड़ना पड़ेगा, मतलब वहां से निकाल दिया जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी कि जो ब्रिटिश यूनिफिकेशन के टाइम पर हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट चीज की इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड इन टू द यूनाइटेड किंगडम। अब ये वो अब आयरलैंड आया, मैंने बताया बहुत सारे आइलैंड थे उसके आसपास, आयरलैंड ने यूनाइटेड किंगडम बन गया था, कुछ आइलैंड्स को ब्रिटेन ने अपने में मिला लिया था जैसे तैसे भी करके। ठीक है, अब लेकिन आयरलैंड ने कॉपरेट करने से मना कर दिया, तभी यहाँ पे लिखा इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड इनटू यूनाइटेड किंगडम। आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801 अंडर द एक्ट ऑफ यूनियन 1801। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन अब दूसरा हुआ यहाँ पर, एक्ट ऑफ यूनियन 1801 हुआ, और 1801 में आयरलैंड को जो है फोर्सिबली जो है यूनाइटेड किंगडम जो था वो अपने में मिलाना चाह रहा था। ठीक है, कि मैं फोर्सिबली इसको अपने में मिला लूं एक एक्ट लगा के, एक्ट ऑफ यूनियन 1801। ठीक है, सो बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन द कंट्री वाज डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। इसके इनकॉर्पोरेशन से पहले, मतलब आयरलैंड ने जो इनकॉर्पोरेशन दिखाई यूनाइटेड किंगडम के साथ कि हम आपके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, इनकॉर्पोरेशन कॉपरेशन करना, कॉर्पोरेशन यानी कॉपरेट करना, इनकॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेशन मतलब हम आपके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, तो इनकॉर्पोरेशन से पहले कॉर्पोरेशन मतलब जबरदस्ती वो मिला रहा था तो लेकिन उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उससे पहले जो ये जो कंट्री थी ये डिवाइड हो गई बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, कैथोलिज्म और प्रोटेस्टेंट्स में डिवाइड हो गई, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स कौन होते हैं ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, सो इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू इम्पोज देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। तो इंग्लिश ने क्या किया, प्रोटेस्टेंट्स को जो है फेवर किया। ठीक है, इंग्लिश ने प्रोटेस्टेंट्स को फेवर किया ताकि ज्यादा से ज्यादा जो आइलैंड है जहां पर कैथोलिक लोग रहते हैं, कैथोलिक पीपल्स रहते हैं, वो जो इंग्लिश हैं, ब्रिटिशर्स हैं, वो उन कैथोलिक पीपल्स को डोमिनेट कर सके, ठीक है, दबा सके, टू इम्पोज देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री, मतलब जिन कंट्रीज में कैथोलिक पीपल्स जो है जो ज्यादा है। ठीक है, द कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेंस वर ब्रूटली सप्रेस। अब कैथोलिक्स ने जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट छेड़ दिया इसके वजह से, लेकिन ऑब्वियसली ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है, उसकी पावर की आज का कोई था नहीं थी जो प्रीवियस में उसने पूरे वर्ल्ड पे राज किया। आज के टाइम पे भी ब्रिटेन के मुकाबले में ऐसी कोई मतलब नहीं है कि कोई कंट्री उसके मुकाबले में खड़ी हो पाए, कहने को इतनी छोटी सी कंट्री है, लेकिन हाँ आज के टाइम पर रशिया और अमेरिका सुपर पावर बने हुए हैं, और ऑब्वियसली ब्रिटेन को भी ये बात मालूम है तो वो डायरेक्ट टक्कर नहीं ले सकता, लेकिन हाँ कभी जमाना था जो 300-400 सालों तक 500 सालों तक ब्रिटेन ने ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है अपनी कॉलोनीज, ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं था जहां पर अपनी कॉलोनीज नहीं बनाई, और नॉर्थ अमेरिका में भी आज जो अमेरिकन हैं वो ब्रिटिश की जेनरेशन के हैं, ब्रिटिशर्स वहां पे जाकर बस गए, और जो नॉर्थ अमेरिकन पीपल्स जो प्रॉपर्ली वहां के नॉर्थ अमेरिकन पीपल्स हैं उनको वहां से भगा के नॉर्थ अमेरिका की कंट्री साइड पे कर दिया गया, मतलब उनको कॉर्नर पे भगा दिया गया, जो कंट्री साइड बाउंड्रीज वगैरह होती है, क्योंकि ब्रिटेन ने नॉर्थ अमेरिका पे भी जो है कब्जा किया हुआ था। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका भी इंडिपेंडेंट हुआ है ब्रिटेन की ब्रिटेन के रूल से। ठीक है, काफी वो पावरफुल कंट्री रही है पिछले 400-500 सालों में, लास्ट 400-500-600 ईयर्स से कई देशों में, कई कॉन्टिनेंट्स में, कई कंट्रीज में इसने राज किया है, सो ऑब्वियसली कैथोलिक रिवोल्ट कर पाएंगे इनके खिलाफ। ठीक है, तो इन लोगों ने कैथोलिक पीपल्स को जो है सप्रेस कर दिया, सबको खत्म कर दिया, एंड आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाई वोल्फ टोन
ये रिवोल्ट फेल होने के बाद, जो कि एक कैथोलिक लीडर वोल्फ टोन इसको लीड कर रहे थे, वॉज अ लीडिंग फिगर इन यूनाइटेड आयरिश मैन, वो आयरलैंड के लिए एक बहुत ही जो है फेमस फिगर जो है बनकर आए आयरलैंड के लिए और कैथोलिक पीपल्स के लिए. ठीक है, फेमस फिगर ऑफ कैथोलिक इन आयरलैंड. ठीक है, एंड टू बी कॉल्ड आयरलैंड के, ऑब्वियसली आयरलैंड पीपल्स को आयरिश मैन कहते हैं. ठीक है, कहने को सभी बहुत ही व्हाइटिश होते हैं, बहुत ही गोरे होते हैं, कुछ रेडिश व्हाइट और रेडिश टाइप बहुत होते हैं. ठीक है, चाहे वो आयरिश हो, स्कॉटलैंड के हों, वेल्स के हों, ब्रिटेन के हों, और अगर हम दीज डेज में अगर हम आज के टाइम पे अगर हम इसराइल की बात करें, इसराइल के, पैलेस्टाइन के, तो जो इसराइल में बेसिकली जो पीपल्स रहते हैं दे आर ज्यूस पीपल. ठीक है, क्रिश्चियंस रहते हैं, ज्यूस रहते हैं, और पैलेस्टाइन्स जो है उनका अलग एरिया है जहाँ पर पैलेस्टाइन्स लोग रहते हैं, पैलेस्टाइनियंस रहते हैं. ठीक है, तो ज्यूइश जो है पैलेस्टाइनियंस से बहुत ज़्यादा वाइटिश, रेडिश वाइटिश रेडिश पिंकिश टाइप के पीपल्स होते हैं. ठीक है, कहने को सब एक जैसे दिखते हैं वहां पर. ऑब्वियसली यूरोपियन पीपल्स जितने अमेरिकन पीपल्स थोड़ा सा डिफरेंट हो सकते हैं, यूरोपियन पीपल्स अमेरिकन पीपल थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं. अमेरिकन पीपल ज्यादा वाइटिश है, कहने को वो अमेरिकन पीपल्स भी जो है वो आपके यूरोपियन पीपल्स की ही जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स वहां पे सेटल्ड हो गए, अमेरिकन को वहां से भगा दिया था इन्होंने. तो अमेरिकन जो है वो अमेरिकन वो नहीं है जो आज अमेरिका में लोग हैं, चाहे वो भले ही वो जो बाइडन हो, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो पिछले जब वेन वी आर किड्स एट दैट टाइम था, बड़ा फेमस से थे वो, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, बताऊंगी मैं आपको, अभी नाम याद नहीं आ रहा मुझे, अभी ध्यान नहीं आ रहा, मुझे अभी बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा. बहुत फेमस रहे वो भी प्रेसिडेंट जो थे अमेरिका के, बहुत फेमस रहे. तो वो जो भी रहे, जितने भी रहे, वो अमेरिकन पीपल्स अमेरिका के निवासी जो नेटिव अमेरिकन है वो नहीं है. नेटिव अमेरिकन जो है वो हल्के लाइट लाइट ब्राउन पीपल है, लाइटिश ब्राउन पीपल है. ठीक है, एनीवेज, खैर, सो आयरिश मैन ये आपके बड़े बहुत ही फेमस फिगर बन के आई, जिन्होंने कैथोलिक का वो रिवोल्ट जो है लीड किया था इन्होंने, एंड फर्स्ट आयरिश मैन इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. तो इनको कहा गया कि ये कैथोलिक के लिए, कैथोलिज्म के लिए, कैथोलिक पीपल्स के लिए इन्होंने इंडिपेंडेंट रिवोल्ट किया है, मतलब हमारी आजादी के लिए इन्होंने रिवोल्ट लड़ा है. एंड द कंट्री वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन टू द यूनाइटेड किंगडम, और बाद में जो है आयरलैंड को जो है यूनाइटेड किंगडम. सो फाइनली जो था ये जो रिवोल्ट जो कैथोलिक ने किया आपके इंग्लैंड के अगेंस्ट में या प्रोटेस्टेंट्स के अगेंस्ट में, ये फाइनली जो था रिवोल्ट फेल्ड रहा, और फेल्ड होने के बाद यूनाइटेड किंगडम ने द कंट्री वॉज इनकॉर्पोरेट इनटू द यूनाइटेड किंगडम. यूनाइटेड किंगडम ने फिर फाइनली आयरलैंड को जो है जबरदस्ती अपने में मिला लिया, और एक न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फॉर्ड थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ अ डोमिनेट इंग्लिश कल्चर. एक संस्कृति, एक ब्रिटिश संस्कृति, एक मतलब ब्रिटिशर्स ने ना एक अपना नकली ब्रिटिश कल्चर, ब्रिटिश संस्कृति को दिखाते हुए उन्होंने क्या किया, एक नया ब्रिटिश नेशन जो है बना दिया यहाँ पर. और उन्होंने फिर बाद में द सिंबल ऑफ अ न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, नया ब्रिटिश फ्लैग हुआ, कुछ नए सिंबल्स ब्रिटेन ने अपने रखे, यूनाइटेड किंगडम ने, ब्रिटेन ने अपने न्यू कुछ सिंबल्स रखे, दैट इज अ ब्रिटिश फ्लैग जो कि यूनियन जैक बिठाता है. नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग, जो नेशनल एंथम है इनका वो ये है. इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो इन्होंने इफेक्टिवली जो है वहां पे एनरोल्ड करवाई, यानी आप कह सकते हैं लागू करवाई, इफेक्टिवली बहुत उस पे काम किया, एंड वर एक्टिवली प्रोमोटेड, और उसको बहुत ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया. एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव ओनली एज सबॉर्डिनेट पार्टनर इन दिस यूनियन, और जो पुराने नेशन थे आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, जितने भी पुराने नेशन थे जो इन्होंने अपने में मिला है, वो नेशन एक ब्रिटिश के सामने, यूनाइटेड किंगडम के सामने एक एक सबॉर्डिनेट कंट्रीज टाइप जो है बन के जो है रह गए. लेकिन आज की अगर बात करें, अब धीरे 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 इतना टाइम हो गया, मोनार्की है वहां पर, लेकिन किंग है, क्वीन का रूल है, लेकिन नाउ बहुत सारी चीजें तब से लेके अब तक बहुत सारी चीजें चेंज हुई. अब दे ऑल आर बीइंग इन सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम के सपोर्ट में अब सभी रहते हैं. स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड जो अब सब ब्रिटेन में मिल गए हैं, वो सभी ब्रिटेन को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अच्छे तरीके से कंट्री को, पूरे आइलैंड्स जितने हैं उसको अच्छे से रन करा रही है,
ठीक है, वहां की गवर्नमेंट प्रॉपर पार्लियामेंट है, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन है, किंग क्वीन रूल जरूर कर रहे हैं, पूरा अधिकार उनका है, बट किंग क्वीन भी जो है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट ही वर्क करते हैं, वो वाला उस टाइप करेंगे जो पहले ऑटोमन अंपायर या जो अब तक हमने यूरोप में पढ़ा जो किंग्स वगैरह होते थे, आपका लुई 16-15 जो हमने पढ़ा और बाकी किंग्स के बारे में हमने पढ़ा रशियन रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन में, इस तरीके का अब नहीं है, ठीक है। सो ये था आपका यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। नेक्स्ट है आपका विजुलाइजिंग द नेशन, नेक्स्ट टॉपिक है आपका विजुलाइजिंग द नेशन, यानी कि नेशन को कैसे विजुलाइज कर पा रहे हैं, कैसे नेशन को, एक नेशन स्टेट को कैसे देखते हैं यूरोप में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज विजुलाइजिंग द नेशन, यानी कि यहां पर कुछ आर्टिस्ट वगैरह हैं, वो लोग नेशन को किस तरह से देखते हैं, ठीक है। तो उन कई सारे आर्टिस्ट थे जिन्होंने नेशन को अलग अलग उसके रूप बनाए कि हमें नेशन को एज अ पर्सन देखना चाहिए, नेशन को हमें एज अ ह्यूमन देखना चाहिए, कि जो हमारा राष्ट्र है वो एक ह्यूमन का प्रतीक है, इंसान का प्रतीक है हमारा राष्ट्र, क्योंकि राष्ट्र में लोग रहते हैं, देश में लोग रहते हैं, तो हमें अपने देश को एज अ ह्यूमन फिगर देखना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज द विजुलाइजिंग द नेशन। कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने किस तरीके से विजुलाइज किया ब्रिटेन को ही नहीं, मतलब सभी कंट्रीज को, ठीक है। तो यहां पर अभी ब्रिटेन का यूनिफिकेशन देख रहे हैं, तो ब्रिटेन के कुछ आर्टिस्ट ने जो है नेशन को किस तरीके से विजुलाइज किया, बिफोर द नेशन स्टेट, नेशन स्टेट से पहले, जब तक नेशन स्टेट का ही कॉन्सेप्ट नहीं आया था, यूनिफिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, आसपास के देशों को एक करके एक देश जब तक नहीं बनाया था, द रूलर्स वर रिप्रेजेंटेड थ्रू अ पोर्ट्रेट और अ स्टैचू, जो रूलर्स होते थे, किंग होते थे, जैसे किंग लुई 16 हो गया आपका, ठीक है, यूरोप के, रशिया के जितने भी रूलर्स होते थे, वो रूलर्स जो थे अपने एक पोर्ट्रेट बनाते थे और वो ये कहते थे कि ये जो पोर्ट्रेट है, ये जो बनाया गया है, ये मेरा जो पोर्ट्रेट बनाया है, जो स्टैचू बनाया है, मैं नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। सो आफ्टर द नेशन स्टेट, नेशन स्टेट्स जब बनने लगे, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आने लगा, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ब्रिटेन, ठीक है, और बाकी कंट्रीज जो है का जो है यूनिफिकेशन होने लग गया। तो यूनिफिकेशन जब ये कॉन्सेप्ट आया यूनिफिकेशन का, और किस किस का हुआ, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, ठीक है, ये सब मिलके एक कंट्री बनने लग गई, ठीक है। तब जो है कुछ स्कॉलर्स, कुछ आर्टिजन स्टार्टेड थिंकिंग हाउ टू विजुलाइज द नेशन, तो वो ये सोचने लगे कि नेशन को हम क्या हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, हम नेशन को कैसे देखें, वो विजुलाइज करने लगे, वो अपने माइंड में ये चीज जो है घुमाने लगे कि नेशन को हम सभी को किस तरीके से देखना चाहिए, सभी को देखना चाहिए, विजुलाइज कैसे करना चाहिए। आर्टिस्ट इन द 18th और 19th सेंचुरी फाउंड अ वे आउट बाय पर्सोनिफाइंग अ नेशन, तो आर्टिस्ट 18th और 19th सेंचुरी के नेशन स्टेट को पर्सोनिफाइंग जो है वे में देखने लगे, ठीक है, फाउंड अ वे आउट बाय पर्सोनिफाइंग अ नेशन, ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करें हम, ठीक है, पर्सोनिफाइंग मींस टू से, पर्सोनिफाइंग का मतलब होता है रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट अ नेशन, कि हम नेशन को रिप्रेजेंट कैसे करें, भाई क्या हम कर सकते हैं जिससे नेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पर्सोनिफाइंग मींस रिप्रेजेंट, यानी कि कोई जो है किसी तरीके की कोई मतलब मूर्ति होनी चाहिए, वो ये कहते थे कि कुछ मूर्ति जैसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। अब आई डोंट नो ये मूर्ति की स्पेलिंग सही है कि गलत है, ये मुझे नहीं पता, ये आप सही कर लेना, ऐसा होता है, मूर्ति मेरी जो है बहुत ही ज्यादा यू नो गंदी है, हिंदी बहुत गंदी है मेरी, ओके। ओके फाइन, सो एक मूर्ति होना चाहिए, स्टैचू होना चाहिए, जिसमें ऐसा स्टैचू होना चाहिए जिसमें हमारी कंट्री के, हमारे नेशन की जो स्पेशलिटी है वो उस मूर्ति में हमें दिखनी चाहिए, सो दैट जो भी देश का इंसान उस मूर्ति को देखे तो वो अपने देश को उस मूर्ति में देखे, देश को उस स्टैचू में देखे, अपने आप को उस स्टैचू में देखे, और जैसा वो स्टैचू बना हुआ है उस जैसे हमारे कंट्री में जिस तरीके की क्वालिटीज हैं वो क्वालिटीज उस मूर्ति में होनी चाहिए, और हर इंसान उस मूर्ति को देख के, उस स्टैचू को देख के, पोर्ट्रेट को देख के ये विजुलाइज करे कि इसमें जो इसमें जो क्वालिटीज हैं वो क्वालिटीज हमें अपने अंदर लेकर आनी है। तो आर्टिस्ट स्कॉलर्स ने एक ऐसी स्टैचू, एक ऐसे पोर्ट्रेट को विजुलाइज करना शुरू कर दिया था 18th और 19th सेंचुरी में। दे स्टार्टेड रिप्रेजेंटिंग नेशन इन अ ह्यूमन फॉर्म, वो आपको मैंने बता दिया कि ह्यूमन फॉर्म में वो नेशन को एक देख रहे थे, ठीक है। नेशन वर देन पोर्ट्रेट एज अ फीमेल फिगर, लेकिन उन्होंने
जो नेशन को डिजाइन करने के बारे में सोचा, जो उन्होंने जो पोर्ट्रेट बनाने के लिए सोची, ह्यूमन फिगर तो थी लेकिन ह्यूमन फिगर में वो फिगर किसकी थी, अ वुमेन, ठीक है, और यू कैन से अ फीमेल फिगर, वो एक फीमेल फिगर उन्होंने नेशन को दी, एक फीमेल फिगर थी नेशन को, कि भाई हम एक फीमेल फिगर देते हैं नेशन को, ठीक है, जिसके अंदर वो सारी क्वालिटीज हम बनाएंगे, जो क्वालिटीज जो है हमारी कंट्री में होनी चाहिए वो क्वालिटीज हम बनाएंगे, ठीक है. सो फ्रॉम दैट द फीमेल फॉर्म दैट वॉज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन. जो उन्होंने फीमेल फिगर जो बनाने की कोशिश करी वो किसी कोई रियल लाइफ वुमेन से प्रेरित नहीं थी, कोई उन्होंने रियल लाइफ वुमेन से कोई इंस्पिरेशन नहीं ली थी, बट ऐसे ही उन्होंने बना दिया उसको, ठीक है, ऐसे ही उनको अपने विजुअलाइज कर लिया उन्होंने, बिकॉज दैट्स व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर, पर्टिकुलर वुमेन इन द रियल लाइफ डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ, रादर इट सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशन अ कंक्रीट फॉर्म. ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, एक आइडिया था दिमाग में कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, उस आइडिया को उन्होंने कॉन्क्रीट फॉर्म में उतार दिया, यानी कि रियल फॉर्म में जो है उन्होंने उतारा, ठीक है, कोशिश करी टू ट्राई टू गिव अ ट्राई अ कॉन्क्रीट फॉर्म. ओके, दस द फीमेल फिगर बिकेम एन एलेगरी ऑफ द नेशन. तो एलेगरी मीन्स रूपक, एलेगरी यानी कि फिर एलेगरी एलेगोरी, ठीक है. तो जो उन्होंने एक वुमेन की जो उन्होंने फिगर बनाई, दस यहां पर वो जो वुमेन फिगर थी वो जो उन्होंने बनाई, वो अब वो वुमेन फिगर जो है अब एक देश का रूपक बन चुकी थी, ठीक है, एक देश का रूपक बन चुकी थी. एंड इवन आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलेगरी. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद भी इसी तरह की फीमेल एलेगरी जो थी वो नेशन को शो करने के लिए वो लोग यूज करते थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद भी, टू पोर्ट्रेट आइडिया, कौन से आइडियाज वो चाहते थे उस वुमेन पोर्ट्रेट में हो, उस फीमेल पोर्ट्रेट में हो, फीमेल एलेगरी में हो, वो क्या थे कि जो हमारी कंट्री में जो क्वालिटीज हैं, हमारी कंट्री में, हमारे नेशन में लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, ये सारी क्वालिटीज कंट्री में होनी चाहिए, लोगों में होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं, सबको इक्वल राइट्स, वही सारी क्वालिटीज उस पोर्ट्रेट, फीमेल पोर्ट्रेट में, एलेगरी में होनी चाहिए, ठीक है. सो ideas such as the justice, liberty and the republic, the most important, okay. Justice, republic, equality, ये सारे ideas होने चाहिए. So these ideals were represented through specific object of symbols, ठीक है. तो ये सारे आइडियाज को वुमेन फीमेल पोर्ट्रेट में रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट उस फीमेल पोर्ट्रेट के साथ ऐड करना पड़ेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस फीमेल पोर्ट्रेट में, ये ऑब्जेक्ट लिबर्टी को दर्शाता है, ये ऑब्जेक्ट जस्टिस को दर्शाता है, ये ऑब्जेक्ट इस चीज को दर्शाता है. जैसे लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर अभी आ गया, जो कि हम अपनी कंट्री में बोलते हैं, हमारे देश में, इंडिया में हम बोलते हैं ना, अपने इंडिया को, अपने भारत को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया को, हिंदुस्तान को हम किस फीमेल फिगर से रिप्रेजेंट करते हैं. सोचो हम, हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, 1947 में देश आजाद होने के 10-12 साल के बाद हमने वो फीमेल फिगर 10-20 साल 15-25 साल के बाद शायद हुई होगी, वो फीमेल फिगर हमने अपने लोगों ने अपने दिमाग में विजुलाइज करी, और धीरे धीरे जो हमारे यहाँ भी जो आर्टिस्ट थे जो भी थे उन्होंने हमारे देश को उस फीमेल फिगर में उतार दिया. और ये वो लोग यहाँ पर, यहाँ यूरोप में भी वही चीज हो रही थी कि अपने देश को वो एक फीमेल फिगर में उतार रहे थे आज से करीब 400 साल पहले ये हो रहा था, ठीक है, 400 साल. तो हम इंडिया किस फीमेल फिगर को जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, तो वो है, कहते हैं ना आप लोग बोलते हैं सब, भारत माता, ठीक है, कहने को वो क्या भारत माता की जो फिगर है क्या वो किसी रियल लाइफ वुमेन से प्रेरित है, नहीं, बस एक विजुलाइजिंग था, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था स्कॉलर्स के माइंड में, और वो उस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को मूवीज के द्वारा, फिल्मों के द्वारा, और स्पेशली मूवीज में इसमें प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने ज्यादा रोल प्ले किया है कि इंडिया को रिप्रेजेंट किया किससे, भारत माता से, कहने को कोई वो ऐसा कोई बहुत वो कोई फीमेल फिगर नहीं है, ठीक है, भारत माता किसी भी रियल लाइफ वुमेन से प्रेरित नहीं है, कोई रियल लाइफ वुमेन नहीं है भारत माता जैसी, लेकिन इंडिया को हम किससे, फीमेल पोर्ट्रेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं भारत माता. भारत माता में क्या क्वालिफिकेशन है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, भारत माता सबकी माता, सबकी भारत, सबका भारत है, ठीक है, इस तरीके की
ये फीमेल फिगर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेम एज इट इज उन्होंने भी इसी तरीके से एक फीमेल फिगर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी। सो एक ये इस तरीके से जो है एक वुमेन एक फीमेल पोर्ट्रेट को वो लोग विजुलाइज कर रहे थे। द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी वर द रेड कैप्स। अच्छा, फीमेल जो फिगर थी, जो फीमेल पोर्ट्रेट उन्होंने डिजाइन करी थी, उसमें मैंने कहा ना कुछ ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट उससे रिलेट करते थे, जिस तरीके से हम लोग भारत माता को रिलेट करते हैं या अपने फ्लैग को अगर हम रिलेट करते हैं कि ऑरेंज केसरिया ये किस चीज को करता है, व्हाइट पीस को करता है, ग्रीन हरियाली को करता है, ठीक है, क्या कहते हैं, इस तरीके से हम रिलेट करते हैं। इसी तरीके से उन्होंने वुमेन जो पोर्ट्रेट बनाई उस पोर्ट्रेट में कहा कि कुछ ऐसी चीजें हम इसमें इंक्लूड करें जो कि पर्टिकुलर लिबर्टी जस्टिस इक्वालिटी, मतलब ये क्वालिटीज को वो ऑब्जेक्ट्स उस हम वुमेन पोर्ट्रेट में बनाए, फीमेल पोर्ट्रेट में बनाए कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो इन क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो यही इन्होंने लिबर्टी के लिए रखा फॉर द रेड कैप वुमेन का ऑब्जेक्ट में बनाया उन्होंने फिगर में, और द ब्रोकन चेन, या हम ब्रोकन चेन रख सकते हैं, व्हाइल जस्टिस वाज जनरली अ ब्लाइंड फोल्डेड, जस्टिस को ब्लाइंड फोल्ड रखा गया, आंख पे पट्टी बंधी हुई वाला वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेट स्केल, जो कि एक वेट स्केल जो है कैरी करती है। हिंदी फिल्मों में देखते हैं ना आप लोग, अदालत में क्या देखते हैं, अदालत में जल्दी से बताइए, क्विकली मुझे कमेंट करके फटाफट बताइए, आप लोग हिंदी मूवीज में अदालतों में ज्यादातर दिखाया जाता है ना, एक फीमेल फिगर बनी रहती है जिसके आंख पे पट्टी बंधी रहती है, ब्लाइंड फोल्ड बना रहता है, और हाथ में उसके एक स्केल, एक इस तरीके का तराजू होता है, जो कि तराजू जो हम जो सब्जी वगैरह लेने में हम तोला जाता है, उसे क्या कहते हैं, उस फीमेल फिगर को यहाँ इंडिया में कहा जाता है लाइक अंधा कानून। एंड इसके ऊपर जो है आपकी एक बहुत ही फेमस जो है मूवी भी है, और बहुत फेमस एक्टर्स की, अमिताभ बच्चन एंड रजनीकांत की जो है मूवी है इस पर्टिकुलर नेम पे अंधा कानून। तो वो अंधा कानून जो फिगर है वही ये फिगर जो अंधा कानून जो इंडिया में अदालतों में जो ये यूज होती हुई आई है, ये फिगर ही जो है आपकी उस टाइम पीरियड की ये बनी हुई है, 18th-19th सेंचुरी की ये जो है आपकी पोर्ट्रेट, ये जो फिगर है फीमेल फिगर बनी हुई है, ठीक है। सो ये था फीमेल फिगर का कुछ ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट आगे आते हैं हम, सिमिलर फीमेल एलॉगरीज वर इन्वेंटेड बाई आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी। तो इसी तरीके की कुछ सिमिलर फीमेल एलॉगरीज जो है 19th सेंचुरी में और भी बहुत सारे कुछ आर्टिस्ट ने जो है इसको डिजाइन किया बनाया। इन फ्रांस शी वॉज क्राइस्टेंट मैरीना, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम। फ्रांस में एक पोर्ट्रेट, एक फीमेल पोर्ट्रेट बनाई गई जिसका नाम था क्रिस्टाइना, शी वॉज क्रिस्टाइना मैरीने, एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है ये, विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ अ पीपल्स नेशन, जो कि लोगों का जो नेशन है, लोगों का जो राष्ट्र है उसको जो है रिप्रेजेंट करता, अंडरलाइन करता, रिप्रेजेंट करता। हर कैरेक्टरिस्टिक वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। और उस फीमेल फिगर में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स डाले गए, लिबर्टी और आपका रिपब्लिक, ये डाले गए। और क्या चीज थी जो रिपब्लिक और लिबर्टी को रिप्रेजेंट कर रही थी, द रेड कैप, द ट्राइकलर, द कोकेट, ये रिपब्लिक और इस सबको रिप्रेजेंट कर रही थी, ठीक है। टू पॉपुलराइज द नेशनल सिंबल्स द स्टैचूज ऑफ मैरीना वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर। तो इन नेशनल सिंबल्स को पॉपुलराइज करने के लिए, नेशनल सिंबल्स को फेमस करने के लिए इन्होंने क्या किया, स्टैचू जो मैरीना स्टैचू था, मैरियानी, ठीक है, मैरियानी जो स्टैचू था इसको क्या किया, पब्लिक स्क्वायर मतलब बीचों बीच में, पब्लिक के बीचों बीच में जो है रखा गया। और मैरियानी इमेजेस वर आल्सो मार्क्ड ऑन कॉइंस एंड स्टैम्प्स। और मैरियानी की जो ये इमेज थी वो स्टैम्प्स पे, कॉइंस पे जो है वहां जो है छपने लग गई, ठीक है, उसको पॉपुलराइज करने के लिए। सिमिलरली जर्मानिया बिकेम एन एलॉगरी ऑफ जर्मन नेशन। जर्मानिया जो थी फ्रांस की ये बनी, ठीक है, मैरियानी ब्रिटेन की कुछ अलग बनी, एलॉगरीज ऐसी मतलब जो एक कंट्री में होता था वो बाकी कंट्री भी उसको धीरे धीरे वो दूसरी कंट्रीज में भी स्प्रेड होता चला गया, ठीक है। तो जर्मनी में जो फिगर बनी वुमेन पोर्ट्रेट की, जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया नेशन को, जो रिप्रेजेंट किया वुमेन पोर्ट्रेट से, उसका नाम था जर्मानिया। इन विजुलाइजिंग रिप्रेजेंटेशन जर्मानिया वियर अ क्राउन। जर्मानिया के सर पे क्राउन हुआ करता था जो जर्मनी नेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही थी। क्राउन ऑफ ओक लीफ, जो कि ओक की पत्तियों का बना हुआ है क्राउन, एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। और ये जो जर्मन ओक है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हीरोइज्म। हीरोइज्म यानी कि जर्मन के लोगों ने किस बहादुरी से अपने नेशन स्टेट को एस्टैब्लिश किया उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म।
नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, सो नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ वननेस. नेशनलिज्म जो थी वो क्या था, नेशनलिज्म फीलिंग थी वननेस, वननेस यही है ना, हाँ ठीक है, वननेस की कि भाई जो है नेशनलिज्म की फीलिंग का मतलब, नेशनलिज्म का मतलब है वननेस, ठीक है. राष्ट्रीय नेशनलिज्म मैं पहले भी बताया था, राष्ट्र, एक तो मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, राष्ट्रीयवाद, राष्ट्रवाद, ठीक है, वननेस की फीलिंग, राष्ट्रवाद की फीलिंग, राष्ट्रवाद यानी कि अपने देश के लिए लड़ना, अपने देश से प्यार करना, ठीक है, और अपनी कंट्री में सबको सबको सब बराबरी का हक मिले एंड ऑल दैट. लेकिन यहाँ पर नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म का ये हो गया कि नेशनलिज्म की फीलिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई लोगों में कि लोग अब जो है अपने देश में तो रह ही रह रहे हैं, लेकिन अपने देश को लाइक बचाने के लिए या अपने देश के अंदर राष्ट्रवाद जो उनके अंदर, यानी मतलब क्या कहते हैं, नेशनलिज्म की जो ये फीलिंग थी, नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई कि वो किसी से भी लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए, लाइक इन दिस वे, ठीक है. नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ वननेस, टुगेदरनेस, द कॉमन कॉन्शियसनेस बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल हिस्ट्री कल्चर एंड अदर फैक्टर्स इन अ स्टेट, ठीक है, कि हमारा कल्चर, हमारी पॉलिटिकल, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हमें सबको पता है और हम उन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं जैसे हमारा देश है और उसके प्रति हमारे लिए प्यार है, उसको सुधारने की हमारे दिल में तमन्ना है, ठीक है, और कॉमन कॉन्शियसनेस को नेशनलिज्म कहते हैं. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम अपनी कंट्री का जानते हैं, पॉलिटिकल और वो भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसी को नेशनलिज्म कहते हैं, ठीक है. फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि लेटर हाफ यानी कि 19th सेंचुरी के एंड में, ठीक है, लेटर हाफ 19th सेंचुरी, आधा पीरियड निकल चुका था, लेटर हाफ आप समझते ही हो, ठीक है, हाफ निकल गया था और उसके बाद कहा आधे इयर्स, ठीक है, 50 तक हो चुके थे, 50 के आगे के जो जो पीरियड्स थे, ठीक है, उन पीरियड्स में 19th लेटर हाफ जो था 19th सेंचुरी का, उस दौरान नेशनलिज्म की जो ये फीलिंग थी वो एक्सट्रीम नेशनलिज्म की फीलिंग बन गई, ठीक है. मैनी नेशन नरिश्ड मिथ, बहुत सारे नेशंस ने जो है बहुत सारे नेशंस ने एक मिथ बनाया, ठीक है, एक अपने मिथ मींस होता है एक कंसेप्शन, एक कैसे कहूँ हिंदी में, मिथकों, ठीक है, मिथ कहते हैं ना, एक मिथ करके एक मूवी आई है, कुछ सीरियल वेब सीरीज टाइप की भी आई है, एक मिथ हिंदी में, यार आई कांट एक्सप्लेन इट इन हिंदी, एक झूठा मतलब एक झूठा, अपनी झूठी शान दिखाना मिथ, ठीक है, अपनी झूठी शान दिखाना, ये बनाया उन्होंने, ठीक है, एक झूठी शान क्या बनाई इन्होंने, झूठा एक क्या लोगों के सामने क्या रिप्रेजेंट किया, ऑफ देयर सुपीरियरिटी ओवर द अदर पीपल, एक झूठा मिथ बनाया, एक झूठी ये शान दिखाई कि सुपरियोरिटी, किसी भी कंट्री की सुपरियोरिटी, कोई भी कंट्री बड़ी तब होती है कोई भी कंट्री जब वो दूसरे देश के लोगों को दबा दे, ठीक है, ये होती है सुपरियोरिटी, ये एक मिथ बनाया कंट्रीज ने, ठीक है, कई कंट्रीज ने, एंड एंड द पोजिशन ऑफ कॉलोनीज बिकेम अ सिंबल ऑफ अ नेशनल प्राइड, और दूसरे की कंट्रीज पर, दूसरे के राष्ट्रों को पर अधिकार जमाना, दूसरे की कंट्रीज को, दूसरों के राष्ट्र को, दूसरे देशों को, देशों पर कब्जा करना, ये जो है एक हमारी मतलब बहुत बड़ी बात है, क्या है कि दैट इज अ सिंबल ऑफ अ नेशनल प्राइड, ये बहुत गर्व की बात है, दूसरे देशों पर कब्जा करना इज अ सिंबल ऑफ नेशनल राष्ट्रवाद के लिए बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नेशनलिज्म की फीलिंग रखने वाले वो ग्रुप्स जो है डेवलप्ड होने लगे, बनने लगे, एंड द कंट्री बिकेम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट, और क्या हुआ कि कंट्रीज के जो लोग थे उस उन देशों के जो लोग थे वो अब इनटॉलरेंट होने लगे, वो अब किसी को भी बर्दाश्त ना करने वाले हो गए, ठीक है, वो बर्दाश्त नहीं कर रहे थे अब किसी को भी, एक दूसरे के लिए लोग जो थे असहिष्णु हो गए, सहन नहीं कर पा रहे हैं वो एक दूसरे को, ठीक है,
इंटॉलरेंस टूवर्ड्स ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो फॉर अ वॉर. मतलब वो इतने ज्यादा असहिष्णु हो गए, इंटॉलरेंस हो गए कि वो कहीं भी वॉर के लिए तैयार हो जाते थे अपने देश के लिए. हमारे देश में ये हो रहा ठीक है लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, इन दैट वे. ठीक है, सो दैट इज नेशनलिज्म जो है इंपीरियलिज्म कब बन गया पता नहीं चला. लास्ट आई थिंक सो दिस इज द लास्ट टॉपिक. यस, नाउ दिस इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड दैट इज द बाल्कन स्टेट. कंट्रीज जो थी अब दूसरे लोगों को डोमिनेट करने में, दूसरे लोगों के ऊपर अपना जो है सुपरियोरिटी बनाने में वो विश्वास करने लगी. ठीक है, तो वही चीज पहले आ गई जहां से ये लोग अब निकल कर आए थे, वो किंग्स का अपने राज्य पर लोगों को परेशान करना, ये करना, वही चीज फिर आ गई कि नेशनलिज्म की फीलिंग साम्राज्यवाद में कब बदल गई. ठीक है, कि अब दूसरी कंट्रीज को अपनी कॉलोनीज बनाने लग गए, मतलब दूसरी कंट्री पे कब्जा करने लग गया, तो साम्राज्यवाद हो गया. मतलब कि अपने अपने साम्राज्य को छोड़कर अब दूसरी एरिए को, दूसरे दूसरी दूसरे देशों को ये लोग जो है एनेक्स्ड करने लग गए. ये इन्होंने एक एक मिथ डिजाइन किया कि यही होना चाहिए, ऐसा ही होता है कॉलोनीज दूसरे दूसरे देशों को बनाना, ये दैट इज द करेक्ट. ठीक है, सो यहीं पर ही कि नेशनलिज्म कब इंपीरियलिज्म बन गया पता नहीं चला. ओके, द लास्ट टॉपिक इज द बाल्कन स्टेट. सो बाल्कन स्टेट्स इसलिए बोला गया है क्योंकि बाल्कन एक ऐसी प्लेस थी, एक ऐसी जगह थी. ठीक है, एक ऐसी स्टेट सॉरी एक ऐसा जगह थी, एक ऐसी प्लेस थी जो कि बाल्कन के पीपल्स के लिए, तो जो बाल्कन के पीपल्स जो वहां पर ऑलरेडी रह रहे थे उनके लिए तो इम्पोर्टेंट था ही था. ठीक है, बट ये बाकी देशों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट एक सेंटर बन गया था बहुत सारी चीजों को लेकर, एक हब बन गया था बहुत सारी चीजों को लेकर, लाइक ट्रेड. ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट चीजें, स्पेशली फॉर द ट्रेड, ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था ये. ठीक है, और इसमें मतलब ऐसी जगह पे था ये कि यूरोपियन कंट्रीज के साथ साथ और जो दूसरी कंट्रीज थी वो भी इस पे कब्जा करना चाहती थी. ठीक है, सेंटर ऑफ ट्रेड था ये बेसिकली. ठीक है, तो बाल्कन वॉज अ रीजन ऑफ अ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग द मॉडर्न डे. तो बाल्कन उन स्टेट्स को, वो सारे स्टेट्स इस जगह पर इंक्लूडेड, कौन कौन से स्टेट्स जो थे वो इस बाल्कन वाले एरिया में इंक्लूडेड थे, एक मॉडर्न डे में भी मतलब मॉडर्नाइज्ड था. एथनिक पीपल्स अपने अपने कल्चर के साथ वहां पर रहते थे एंड कल्चर्स में वेरिएशन भी था बहुत. ठीक है, बहुत डिफरेंट वेरिएशन था. सो एंड इस बाल्कन स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट्स थे कंप्राइजिंग द मॉडर्न डे, आज का मॉडर्न डे का रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, बोसनिया, हर्जेगोविया, स्लोवेनिया, सर्बेनिया एंड मॉन्टीग्रो, हुज इनहैबिटेंट वर ब्रॉडली नोन एज द साल्स. ठीक है, ये सारे स्टेट्स जो थे वो बाल्कन स्टेट्स जो है वो कहलाते थे. ठीक है, और इन स्टेट्स में क्योंकि ये सारे स्टेट्स के लोग उस पर्टिकुलर रीजन में रहते थे, ये स्टेट्स बाद में इस बाल्कन वाले एरिया से अलग होके डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ऐड हो गए. रोमानिया चला गया पार्ट, बुल्गारिया में ऐड हुआ, अल्बेनिया में ऐड हुआ, आजकल मॉडर्न ग्रीस है वो बाल्कन स्टेट था, बाल्कन स्टेट कहलाता था, मैकेडोनिया, मोंटेग्रो, ये सारी चीजें. ठीक है, सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में, जैसे मान लो ये एक एरिया था, यहाँ रोमानिया, बुल्गारिया, ठीक है, मोंटेग्रो, यहाँ कोई दूसरा देश जो भी था आपका, ठीक है, ग्रीस, मैकेडोनिया एंड बाकी सारे से, तो यहाँ पे जो यहाँ होगा कुछ इधर होंगे. ठीक है, यहाँ पर रहने वाले जो पीपल्स थे, यहाँ पर रहने वाले लोगों को जो है कहा जाता था आपका साल्स. ठीक है, यहाँ पे रहने वाले लोगों को साल्स कहा जाता था. यहाँ पर जो पीपल्स रहते थे दे यूज टू बी कॉल्ड एज स्लाव्स. ठीक है, इनको स्लाव्स बोला जाता था. सो बाल्कन इज अ पेनिनसुलर एरिया, ये एक पेनिनसुलर एरिया था. ठीक है, मींस है, सॉरी, एक पेनिनसुलर एरिया है, हैड बीन अंडर द रूल ऑफ अ ऑटोमन टर्क्स एम्पायर के
अंडर में कई सालों तक ये सारे जो आपके रोमानिया, अल्बेनिया, ग्रीस, ये सारे, ग्रीस का यूनिफिकेशन हुआ था, पढ़ाया था मैंने आपको इसी चैप्टर में, और ग्रीस जो था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था, ऑटोमन एम्पायर का रूल था, ठीक है। तो ये सभी ऑटोमन एम्पायर के रूल के अंडर थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर जो थी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, जिसे आप कह सकते हैं पूरी तरीके से खत्म हो गई, ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। एंड ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन जो एम्पायर थी वो बेसिकली दे आर द तुर्क्स पीपल, ठीक है, ये लोग टर्किश डायनेस्टी होती थी, तुर्क्स टर्किश डायनेस्टी थी ये, एंड दैट रूल द ऑटोमन एम्पायर फ्रॉम द 13th सेंचुरी से लेकर टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, जब तक ये ऑटोमन एम्पायर पूरी तरीके से डिसॉल्यूशन ना हो गया इसका, तब तक ये जो थे इन सारी स्टेट्स में और भी यूरोपियन यूरोप के कुछ देशों में जो थे ये लोग राज रूल्ड ओवर करते रहे, ठीक है। सो सिंस लॉन्ग, काफी लॉन्ग टाइम से ये ऑटोमन एम्पायर इस पर रूल कर रहे थे, हाउएवर इन द 19th सेंचुरी विद द डिक्लाइन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर द इंटरेस्ट ऑफ द मेजर यूरोपियन पावर इंक्रीज्ड, जब यहां पर ऑटोमन एम्पायर जो थी खत्म हो गई, ठीक है, ऑटोमन अंपायर यहां पर जो है डिक्लाइन हो गई, तो ऑटोमन अंपायर के डिक्लाइन होते ही साथ यूरोपियन कंट्रीज जो कि यूनिफाइड हो चुकी थी, यूनिफिकेशन यूरोपियन कंट्रीज का हो चुका था धीरे धीरे, कुछ का हो रहा था, तो यूरोपियन कंट्रीज का इंटरेस्ट जो था इस बाल्कन स्टेट्स में, डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स थे इसमें बड़ा इंटरेस्ट यहां पर बढ़ गया उनका, ठीक है। एंड यूरोपियन पावर्स इंक्रीज, इंटरेस्ट ऑफ द मेजर यूरोपियन पावर्स इंक्रीज, और यूरोपियन पावर्स, यूरोपियन कंट्रीज की जो पावर्स थी वो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक आते आते बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी ऑटोमन एम्पायर ट्राइड इट्स बेस्ट टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ दो मॉडर्नाइजेशन, अच्छा खत्म होने के बाद उसके बाद दोबारा ऑटोमन एम्पायर ने अपने आप को उठाने की कोशिश करी, ऑटोमन एम्पायर ने अपने आप को मॉडर्नाइज किया, ठीक है, एंड ट्राइड इट्स बेस्ट टू स्ट्रेंथ इटसेल्फ, दो मॉडर्नाइजेशन हुआ, अपने आप को मॉडर्नाइज किया, नए तरीके से अपने एरिया को रूल करने की कोशिश करी, अपनी किंगडम को चलाने की कोशिश करी, इंटरनल रिफॉर्म्स, जो उसके इंटरनल रिफॉर्म से इंटरनल यानी कि जो लड़ाई झगड़े थे छोटे मोटे किंग्स के साथ उसको भी उन्होंने जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी, बट विद अ वेरी लिटिल सक्सेस, लेकिन इनको जो है ऑटोमन एम्पायर को इतनी सक्सेस बाद में फिर जो है इनको नहीं मिल पाई, ठीक है। इन द 19th सेंचुरी इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलाइज्ड नेशनलिटीज, जो यूरोपियन ये जो सब्जेक्ट था नेशनलिटीज वाला जो एक कॉन्सेप्ट आया था ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो नेशनैलिटीज वाला यूरोप का ये जो कॉन्सेप्ट था इन्होंने ऑटोमन अंपायर को जो है यहां से हटाया बाल्कन स्टेट्स की तरफ से, ठीक है, फ्री किया, ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल, फ्रॉम इट्स कंट्रोल किसके कंट्रोल से, ऑटोमन अंपायर के, ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल से, ठीक है, इसको फ्री अप किया और बाल्कन स्टेट्स जो थे ये इंडिपेंडेंट हो गए, यही वो स्टेट्स थे जो आपने अभी पढ़े, इंडिपेंडेंट हो गए एज द डिफरेंट साल्विक नेशनैलिटीज स्ट्रगल, अब रोमानिया अलग हो गया, ग्रीस अलग हो गया, ये सारी चीजें, अल्बेनिया, मोरटोना, मैकेडोनिया, ये सारी चीजें अलग हो गई, अब यहां पर रहने वाले जो पीपल्स थे दे आर टू बी कॉल्ड एज साल्व्स, ठीक है, और अब ये जो साल्विक नेशनैलिटीज थी, ठीक है, यहाँ के जो पीपल्स थे साल्विक पीपल्स थे वो भी अपने लिए नेशन स्टेट चाहने लगे, ठीक है, कि हम भी, हमारे लिए भी एक नेशन स्टेट होना चाहिए, हमारा भी अपना एक राष्ट्र होना चाहिए, एक देश होना चाहिए, अपनी एक कंट्री होनी चाहिए, तो इनके दिलों में, मनों में, दिमाग में जो है साल्विक नेशनैलिटीज जागृत होने लगी, ठीक है, स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, तो ये भी अपनी अब और इंडिपेंडेंस चाहते थे, अपनी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी अपनी, अपनी कंट्री की, हम एक रोमानिया पीपल है, रोमानिक पीपल है, हम ग्रीस के पीपल है, उसके लिए अब ये स्ट्रगल करने लगे। द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, और इसी दौरान ये सारे स्टेट्स जो थे बड़े इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में फंस गए, यूरोपियन देश इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेने लगे, अलग अलग ही हम जो है इनको मिलाने अपने उसमें, तो ये एक इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बन गया था, बहुत कॉन्फ्लिक्ट होने लगी, लड़ाई झगड़ा बहुत होने लगा यहाँ पर, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स, और यूरोपियन पावर्स के बीच में ओवर ट्रेड, ट्रेड को लेकर एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री को लेकर यूरोपियन पार्ट्स यानी यूरोप की सारी कंट्रीज में आपस में जो है बहुत ज्यादा राइवलरी स्टार्ट हो गई, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, राइवलरी, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई, और ये एरिया काफी इंटेंस बनने लगे, जैसे कि इस समय जो है ब्लैक सी, रशिया और अमेरिका और नाटो देशों के बीच में, यूक्रेन के बीच में जो ब्लैक सी वाला जो पार्ट है वो एक इंटेंस एरिया बना हुआ, इंटेंस मतलब बहुत लड़ाई झगड़े वाला, बहुत टेंशन वाला एरिया, दैट इज टू बी कॉल्ड एज इंटेंस, ओके।
सो ओवर ट्रेड, अब यहाँ पर नेवल भी सब यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी नेवी भी लगा दी, मिलिट्री भी लगा दी, ट्रेड भी इनको यहीं से, इन्हीं कंट्रीज से, बाल्कन स्टेट से ही करना है, सारी यूरोपियन कंट्रीज, अदर जर्मनी, यूके, यूनाइटेड किंगडम और कौन सी आपकी इटली, स्पेन एंड ऑल दैट, ठीक है, फ्रांस वगैरह एंड ऑल दैट, ठीक है. सो दी देयर राइवलरीज इंटेंसिफाइड बिकॉज ऑफ बाल्कन इशू. तो इनके जो राइवल्स थे वो बाल्कन इशू की वजह से काफी इंटेंस हो चुके थे. यहाँ पे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी वॉज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पार्ट्स ओवर द बाल्कन्स. तो ये जो यूरोपियन कंट्री, बाकी यूरोपियन कंट्रीज थी वो भी इसको लेके बड़ा कब्जा जमाने के, इसको लेके बड़ी इंटेंस थी. तो वहीं बाकी यूरोपियन कंट्रीज के राइवल में ये लोग आ गए इनके सामने, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सारे यूरोपियन कंट्रीज जो थी यहाँ पर इंटरेस्ट लेने लगी कि हम भी यहाँ से ट्रेड करेंगे एंड ऑल दैट, ठीक है, टू होल्ड अपनी पार जो है इन स्टेट्स में, बाल्कन स्टेट्स में जमाने के लिए, कि भाई हम अपनी पार, अपना होल्ड बना लें, हम अपना होल्ड बना लें एंड ऑल दैट, ओके, एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया, और अपने कंट्री का एक्सटेंड यहां तक जो था बढ़ाना चाहते थे, होल्ड ओवर करना चाहते थे कंट्रोल इस एरिया को, हर कंट्री कंट्रोल करने में लगी हुई, रशिया, जर्मनी एंड ऑल दैट. दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर इन द रीजन. और यहां पर इसी वजह से क्या हुआ कि एक लड़ाई की एक सीरीज चल पड़ी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रशिया की लड़ाई हो रही है या अमेरिका रशिया की लड़ाई हो रही है, और होते होते इधर जर्मनी, अमेरिका, इन सब के आपस में इसी चीज को लेके जो है एक झगड़ा फसाद होता गया. जैसे कि अब हो रहा है कि इधर नेटो देशों, पहले यूक्रेन का रशिया से चलता रहा, यूक्रेन के फेवर में इधर नेटो आ गया, नेटो वो लीड कर रहा है अमेरिका, तो अमेरिका ने रशिया से जो है वॉर छेड़ दी. अब अमेरिका, नेटो देश, यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, नेटो देश और यूक्रेन एक तरफ है, रशिया एक तरफ है, रशिया के फेवर में कुछ कंट्रीज अलग आ गई, और यहाँ यहाँ कुछ दिन पहले 14-20 दिन पहले जो है इधर इसराइल और हमास ने इसराइल पे अटैक किया, बट यहाँ हमास जो है इट्स अ टेररिस्ट ग्रुप, ठीक है, उन्होंने इसराइल पे अटैक किया, तो इसराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा स्ट्रिप जो है, जो कि इसराइल में ही है गाजा स्ट्रिप, जहां पे पैलेस्टाइनियन पीपल्स रहते हैं, और गाजा टेररिस्ट आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन का कब्जा है, और पैलेस्टाइनियन जो पीपल्स है वो इस हमास ग्रुप को जो है, हमास टेररिस्ट ग्रुप को जो है सपोर्ट करते हैं, जो कि गाजा में रहते हैं. हमास जो है टेररिस्ट ग्रुप जो गाजा में रहता है, गाजा में पैलेस्टीनियन पीपल्स रहते हैं, ठीक है, तो पैलेस्टीनियन पीपल सपोर्टेड द हमास, ओके, टेररिस्ट ग्रुप, विच इज टेररिस्ट ग्रुप. सो वही यहाँ पर भी ना, यहाँ पर भी वॉर हो रही है, सीरीज ऑफ वॉर होती गई. यहाँ ईरान, इराक भी समथिंग कह रहे हैं कि इसराइल ने जो है अगर पैलेस्टीनियंस मतलब गाजा पे बमबारी करना नहीं छोड़ा तो ईरान जो है इसराइल पे अटैक करेगा, और सऊदी अरेबिया, यूएई, जो सारी इस्लामिक कंट्री मुस्लिम देश है वो एक तरफ आ गए. खैर एनीवेज, यहाँ पर सिर्फ वॉर की सीरीज बता रही हूँ मैं, किस तरीके से जैसे अभी रिसेंटली इस दौरान एक के बाद एक दो कंट्री, तीन कंट्री वॉर में इंक्लूडेड होती जा रही है, वैसे ही उस टाइम पे, टाइम पीरियड में हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में के टाइम पीरियड में हुआ. इस रीजन की वजह से सब अपना अपना कब्जा जमाने के बाद नेशनलिज्म से इंपीरियलिज्म पे आ गया, अपना अपना कब्जा जमाने के चक्कर में जो है ये लोग एक दूसरी कंट्री पे, एक कंट्री दूसरी कंट्री पे जो है अटैक्स और वॉर जो है सारी कंट्रीज में जो है स्टार्ट हो गई, ठीक है. अब वहां पर इस्लामिक देश है वो इसराइल को धमकी दे रहे हैं, इसराइल इस्लामिक देशों को, जो मुस्लिम देश है कंट्री दे रहे हैं. खैर एनीवेज, इसराइल किसी भी इस्लामिक देश से नहीं डरने वाला, इवन इसराइल इज नॉट अफेयर फ्रॉम अमेरिका ऑल्सो, ठीक है. तो इसराइल का कोई भी इस्लामिक या मुस्लिम या कोई भी देश हो, वो इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ने वाला, ना कुछ बिगाड़ सकता है, ना बैक, ना तो प्रीवियस में कभी कुछ बिगाड़ पाया और ना आगे कभी कुछ बिगाड़ पाएगा. खैर, सो दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ अ वॉर इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट. तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी इसी वजह से ब्रोक आउट हुई. सो नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म. अब यहाँ नेशनलिज्म जो थी, नेशनलिज्म किस तरीके से जो है इंपीरियलिज्म में बदल गया, साम्राज्यवाद में. कहाँ अभी तक ये चल रहा था कि भाई जो है नेशनलिज्म अपनी अपनी कंट्रीज को नेशन स्टेट जो था सब बनाना चाहते थे, ठीक है. वी वॉन्ट आवर कंट्री अ नेशन स्टेट, अ नेशन स्टेट फीलिंग ऑफ अ नेशनलिज्म. नेशनलिज्म की फीलिंग्स चलते चलते, ठीक है, नेशन स्टेट बनाते बनाते यहां हो गई एक्सट्रीम नेशनलिज्म. एक्सट्रीम नेशनलिज्म और एक्सट्रीम नेशनलिज्म जो है आगे चल के चेंज होता है आपका किसमें, इंपीरियलिज्म, यानी कि साम्राज्यवाद में. सब अपने अपने साम्राज्य को, हर कंट्री अपने साम्राज्य को
साम्राज्य ऑब्वियसली इट्स अ किंगडम, ठीक है, अपनी अपनी किंगडम को जो है बढ़ाने में लगी हुई है, ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ब्रोक आउट हुई कि रशिया सोच रहा है मैं बाल्कन स्टेट पे कब्जा कर लूं, उधर अमेरिका सोच रहा है कि मैं बाल्कन स्टेट पे कब्जा कर लूं, जर्मनी सोच रहा है मैं कर लूं, ये सोच रहा है मैं कर लूं, ठीक है। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वॉज रीडिफाइंड बाई द कॉलोनीज, कॉलोनीज मतलब जिन को जो जिन कंट्रीज को दूसरी कंट्रीज ने कब्जा किया हुआ था, अब वो कंट्रीज अपने लिए नेशन स्टेट मांग रही थी, अपने लिए नेशनलिज्म चाहती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अब ये चीज आई कि रीडिफाइंड बाय द कॉलोनीज, अब उन कॉलोनीज जो थी वो जो कंट्रीज थी उन्होंने नेशनलिज्म को रीडिफाइन किया। द पीपल ऑफ द कॉलोनीज जो कब्जे में थी, किसी और कंट्री के कब्जे में थी जो कंट्रीज वहां के लोगों ने ऑल्सो रियलाइज द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, उन्होंने भी द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म को रियलाइज किया। जिन्होंने कब्जा किया था, जो कंट्रीज कब्जा करी हुई थी दूसरी कंट्रीज को, उन्होंने भी रियलाइज किया नेशनलिज्म की ट्रू फीलिंग क्या है, ठीक है। दे लॉन्च वेरियस मूवमेंट अगेंस्ट द फॉरेन कंट्री, जो कुछ कंट्रीज ने रियलाइज किया, नॉट ऑल, तो जो कॉलोनीज बनी हुई थी, जो कंट्रीज दूसरी कंट्रीज के अंडर में थी, कब्जे में थी, उन्होंने डिफरेंट मूवमेंट्स अगेन फिर स्टार्ट किए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फॉरेन रूल के खिलाफ, यानी स्पेशली ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्रीज के अगेंस्ट में, ठीक है, फॉरेन रूल के अगेंस्ट में। एंड यूरोपियन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वर नाउ एवर रेप्लीकेटेड फॉर पीपल एवरीवेयर, अब जो यूरोप में नेशनल यूरोप ने जो नेशनलिज्म का एक कॉन्सेप्ट चलाया था वो धीरे 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 फिर से नए तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड होने लगा, रेप्लीकेटेड होने लगा, कुछ डिफरेंट वे में जो है वो फैलने लगा, लोगों तक जाने लगा, लोगों के पास जाने लगा, एवरीवेयर पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ अ नेशनलिज्म, और लोगों ने नेशनलिज्म के मीनिंग को अपनी तरह से लिया, कुछ लोगों ने नेशनलिज्म की मीनिंग को अलग तरह से लिया, कुछ लोगों ने नेशनलिज्म की फीलिंग को अलग तरीके से लिया, लाइक इन दैट वे। बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू, लेकिन जो आइडिया मेन आइडिया जो नेशनलिज्म का था जिससे सोसाइटी ऑर्गेनाइज हो सकती थी वो था नेशन स्टेट, वननेस, फीलिंग ऑफ अ वननेस, ठीक है। उस फीलिंग ऑफ अ नेशनलिज्म में, फीलिंग ऑफ अ वननेस में ये नहीं आता कि हम अपनी कंट्री में रहकर दूसरी कंट्री पे कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी फिलहाल रशिया भी कर रहा है, कि रशिया खैर नहीं कर रहा है, सॉरी रशिया बस ये चाहता था कि यूक्रेन जो है नेटो में शामिल ना हो, ठीक है। नेटो कुछ छोटी छोटी कंट्रीज का ग्रुप है जो कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जो कि बड़ी बड़ी कंट्री, कुछ रशिया के अगेंस्ट कुछ बड़ी बड़ी जो कंट्रियां हैं जो रशिया से छोटी हैं, लेकिन उसमें जो टक्कर नहीं है वो सिर्फ अमेरिका और आपके अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और आपकी जर्मनी वगैरह ने, कनाडा वगैरह ने मिलकर ये कुछ नेटो देशों का ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसमें छोटी कंट्रीज हैं, और एग्रीमेंट क्या है कि अगर इन कंट्रीज पे कोई बड़ी कंट्री अटैक करेगी तो अमेरिका और जर्मनी कनाडा, ये सारी बड़ी कुछ जो बड़ी कंट्री है वो उनको सपोर्ट करेंगे, नेटो कंट्रीज को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो ये ऑर्गेनाइजेशन था नेशन स्टेट, यानी कि फीलिंग ऑफ अ वननेस केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्स, बाद में, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बहुत टाइम के बाद आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज, वो आइडिया नेशन स्टेट का जिससे हम सोसाइटी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये धीरे धीरे एक्सेप्ट होने लगा एज नेचुरल, मतलब नेचुरली वे में धीरे धीरे लोगों ने एक्सेप्ट किया नेशन स्टेट का आइडिया, और यूनिवर्सली ऑल ओवर द वर्ल्ड नेशन स्टेट का जो आइडिया, नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो स्प्रेड हुआ, और यूनिवर्सली जो है वो धीरे 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 नेचुरली एक्सेप्टेड भी किया गया कंट्रीज के द्वारा, पीपल्स के द्वारा इस आइडिया को एक्सेप्ट किया गया, समझा गया। पहले मतलब पहले नहीं कुछ पीपल समझ पाए नेशनलिज्म क्या होता है, गलत तरीके से लिया, एक्सट्रीम नेशनलिज्म हो गया, लेकिन बाद में समझ में आता है कि नहीं भाई एक्सट्रीम नहीं होना है हमें नेशनलिज्म को लेकर। धीरे धीरे नेशनलिज्म का जो डेफिनेशन थी वो और ज़्यादा ओपनली लोगों के सामने आने लगी कि करेक्ट मीनिंग क्या है नेशनलिज्म का, कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रटर्निटी, जस्टिस, रिपब्लिक, इन सब का मीनिंग एक्चुअली में क्या है, वो लोगों को धीरे धीरे समझ में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूरोप, धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी अब वही चल रहा है, फिर भी कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से कंट्रीज में लड़ाई झगड़ा चलता है। ओके, सो हियर योर चैप्टर इज कम्प्लीट, योर टॉपिक इज कम्प्लीट, लास्ट टॉपिक इज द बाल्कन स्टेट, इट्स ऑल कम्प्लीट, नेशनलिज्म इन यूरोप, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप दिस चैप्टर विल क्लियर टू यू,
एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट्स और एनी थिंग यू वोंट अंडरस्टैंड प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल फॉर श्योर लाइक कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी और एनी वट एवर द नेक्स्ट चैप्टर शुड बी वी हैव टू स्टार्ट सो वी विल मीट विद द नेक्स्ट न्यू चैप्टर टिल देन बाय